चीते की चाल पाकिस्तान के बुरे हाल और भारतीय सेना के इकबाल पर कभी शक नहीं करते, और जो शक करते हैं वो जान लें कि भारत का लाल दुश्मन को उन्हीं के घर में लाल करके वापस आ गया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फंतंत्र। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितना इंतजार कांग्रेस को अच्छे दिनों का नहीं है, टिंडर पर सिंगल लड़कों को राइट स्वाइप का नहीं है, गोलगप्पे की लाइन में लगी लड़कियों को अपनी बारी का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इंतजार पूरे देश को पिछले दो दिनों से विंग कमांडर अभिनंदन के भारत वापस आने का है। और आखिरकार देश का शेर दुश्मन की मांद में घुसने के बाद शेर की तरह वापस आ गया। मगर इस पर कुछ लोग फौजी के हौसले की नहीं, सरकार की कूटनीति की नहीं, बल्कि इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें मदर टेरेसा का दूसरा अवतार बता रहे हैं। भारत के हवाई हमले के जवाब में ये लोग इमरान खान को हवाई पप्पियां दे रहे हैं। भाई, माना कि आपकी किसी नेता से दुश्मनी है, आपकी अपनी अकल से भी दुश्मनी है, मगर कम से कम ऐसे मौकों पर देश का साथ तो दे दो। अरुंधति राय ने आज वाशिंगटन पोस्ट में लिखा कि बालाकोट पर भोंडी स्ट्राइक से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मसला कश्मीर को बैन अल-अक़वामी सतह पर खुद उजागर कर दिया है। मतलब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी और कोई देश हमें कुछ भी नहीं बोला, मगर वो हमारी तारीफ थोड़ी है। हमले के बाद पाकिस्तान का सौतेला बाप चीन तक कुछ नहीं बोला, लेकिन वो भी हमारी तारीफ थोड़ी है। OIC में फाउंडिंग मेंबर पाकिस्तान नहीं गया और इंडिया चीफ गेस्ट था, लेकिन वो भी हमारी तारीफ थोड़ी है। और सरकार की कूटनीति के बाद दो दिन के अंदर ही अभिनंदन वापस आ गए, वो भी हमारी तारीफ नहीं है, लेकिन इमरान खान की तारीफ ये लोग कर रहे हैं। भाई सुभान अल्लाह, इनके लिए जोरदार गालियां, सॉरी तालियां। कल तक तालिबान की आंखों के तारे रहे इमरान खान को हमारे कुछ लोगों ने मेक इन इंडिया योजना में शांति का मसीहा बना दिया। इन लोगों के हिसाब से तो शांति के सफेद कबूतरों ने भी अपनी गर्दन पर इमरान खान के नाम का टैटू लगवा रखा है। सच में यार, दिल करता है कि जिस गाड़ी से अभिनंदन पाकिस्तान से भारत आए हैं उसी के ड्राइवर को ये कह दें कि भैया जाते वक्त हमारी कुछ सवारियां लेते जाओ, पाकिस्तान ने हमारा शेर लौटाया है, बदले में तुम हमारे बातों के शेर ले जाओ। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ने से पहले एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि हमारे सो कॉल्ड शांति दूत इमरान खान साहब, जिन्हें हमारे यहां लोग शांति दूत मानते हैं, इमरान खान ने अपनी उसी इमेज पर गोबर कर दिया। सच में यार, ये लोग अलग ही प्रजाति के, ये वो लोग हैं जिनके भारतीय होने का पता आपको सिर्फ इनके पासपोर्ट से चल सकता है। अगर आपको ध्यान हो तो पुलवामा हमले के फौरन बाद यही लोग कह रहे थे कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं, और सरकार ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो कहने लगे युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। सुबह सुबह जो हुआ उसकी बहुत पहले से ही जरूरत थी। दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था जो सबसे तेजी से बढ़ रही है उसको जंग में झोंका जा रहा है। अच्छा, अगर युद्ध समस्या का हल नहीं है तो पूरी दुनिया से IS कैसे खत्म हो गया? आपको क्या लगता है, IS आतंकी बासी कड़ी खाकर मर गए या फिर उनकी मौत चिकनगुनिया से हो गई? नहीं मुनिया, वो चिकनगुनिया नहीं, वो उस युद्ध में मारे गए जिसे आप बुरा मानते हैं। वैसे युद्ध अच्छी बात नहीं है, मगर आप पागल कुत्ते की पूंछ सहलाएंगे तो आपके प्यार को नहीं समझेगा बल्कि आपको काट देगा। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए आपको उसे लाठी मारनी पड़ेगी, और जान बचाने के लिए लाठी मारना हिंसा नहीं, आत्मरक्षा है, इंग्लिश में बोलें तो सेल्फ डिफेंस। आप समझे हमने पाकिस्तान को हल्की सी लाठी क्यों मारी? जब ऐसे लोगों को देखता हूं तो लगता है कितने बड़े वाले हैं ये लोग। एक तरफ तो ये बदला लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ जरा सा हालात बिगड़ने पर ये लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे, हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? और मचाएं भी क्यों ना जी, जो आदमी खुद पटाखे की आवाज सुनकर गाड़ी में बैठ जाता है वो असली लड़ाई को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये वही लोग हैं जो 40 सैनिकों के चुपचाप गाड़ी में मारे जाने को तो हादसा मानते हैं और युद्ध में एक पायलट के पकड़े जाने पर हिंसा हिंसा कहकर चिल्लाने लगते हैं। मतलब पाकिस्तान के कब्जे में होने के बावजूद अभिनंदन ने तो हौसला नहीं खोया, मगर कुछ लोग हैं जो जरूर बावले हो गए, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि पायलट की हालत पर आंसू बहाकर सरकार को नीचा दिखाया जा सके। इसलिए मैंने कहा था ना, जो गाड़ी अभिनंदन को भारत छोड़ने आई थी उसी में कह देते कि भैया कुछ सवारियां हमारे यहां से भी लेते जाओ। वैसे हमारे अगल बगल बेतुकी बातें करने वाले कई क्यूटिया नंदन लोग भरे पड़े हो। सही सुना आपने, मैंने क्यूटिया नंदन ही कहा। भारत की एरियल स्ट्राइक के बाद येदुरप्पा साहब ने फौरन ऐलान कर दिया कि स्ट्राइक के बाद बीजेपी कर्नाटक में 28 में से 22 सीटें जीतेगी। ये वही लोग हैं जो बाद में शिकायत करते हैं कि जनता नेताओं के भाषणों के दौरान चप्पल क्यों मारती है। भाई जनता चप्पल इसलिए मारती है क्योंकि नेताओं पर बम गिराने के लिए उसके पास कोई मिराज थोड़ी है। शर्म कर लो सर, अगर कर सको तो थोड़ी कर लो। अगर करने के लिए कोई ढंग की बात न हो तो जरूरी थोड़ी है कि मुंह खोला जाए, उससे सिर्फ खाने का ही काम लो। हगने के लिए तो ईश्वर ने वैसे भी हमें अलग अंग दे रखा है, उसके लिए मुंह का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। और एक आखिरी बात, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कबूल किया है कि मसूद अजहर उन्हीं के देश में है मगर बीमार है। He is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. कुरैशी साहब, अगर वो बीमार है तो हमें दे दीजिए, हम उसका तबीयत से इलाज कर देंगे, और यकीन ना आए तो एक नजर बालाकोट पर मार लो।
अभी अभी वहां हमने 350 लोगों का इलाज किया, अब वो भी कभी बीमार नहीं पड़े। खैर, अब आपको अंत में कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। अगर ये पंक्तियां सचमुच आपके दिल तक पहुंचे तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। और सचमुच आप वीडियो शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका सबूत मुझे देखना है। कैसे? उसको शेयर करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टा पे जरूर टैग करिएगा @rjronak। खैर, पंक्तियां शुरू होती हैं कि मैं जितना सीधा साधा हूं तुम उतने ज्यादा लुच्चे हो, और मैं हिंदुस्तान से सच्चा हूं और तुम पाकिस्तान से टुच्चे हो। अरे, मैं 56 इंच का सीना हूं, तुम 24 इंच की छाती हो। मैं जितना ताली पाता हूं तुम उतनी गाली खाती हो। अरे, मैं बंदा जितना बुद्धिमान, तुम बंदी उतनी पगली हो। मैं MiG-21 सा शानदार और तुम F-16 सी नकली हो। और एक लाइन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी पर्सनल फेवरेट है, कि मैं महाराणा प्रताप का चेतक हूं, तुम बोझा ढोता टट्टू हो। और मैं चाय वाले सा ब्रेव प्रिय, तुम इमरान खान सी फट्टू हो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।